वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 8 क्लास 9th की देखने वाले हैं, जुलाई 22 की मैथमेटिक्स। तो आज का टॉपिक है पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल के ऊपर मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ऊपर कार्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब वहाँ पर जाकर उनकी पूरी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं समझने के लिए। जल्दी से चलते हैं इस वर्कशीट के सॉल्यूशंस की तरफ। तो एवरी टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशियंट। सो कोफिशियंट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। कोफिशियंट का मतलब होता है वेरिएबल के जो साथ में ये वेरिएबल है यहाँ पे एक्स क्यूब, इसके साथ में अगर कुछ लिखा है तो उसे कहते हैं कोफिशियंट। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है 5, जैसे कि एक्स के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है -7, तो इसे कहेंगे हम कोफिशियंट। तो कोफिशियंट किसी न किसी वेरिएबल के साथ वाला टर्म होता है। यहाँ पे उन्होंने ये चीज लिखी भी हुई है, तो आप इसको डिटेल में रीड भी कर लें। तो पहले कोफिशियंट हमने जैसे पढ़ लिया था, हम कोफिशियंट के जो एक्सरसाइज है जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन है, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उन्होंने जो बोला है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बोला है। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लिखा हुआ है। अगर माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो -1 है, तो -1 इसका आंसर हो गया। सेकेंड वाले में एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा ही नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं 0 से मल्टीप्लाई होकर गायब हो गया होगा। 0 × x² = 0, तो यहाँ पर आंसर हो गया 0। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड वाला, जब एक्स स्क्वायर था ही नहीं उसके अंदर। थर्ड वाले के अंदर आपका यहाँ पर, सॉरी, थर्ड वाले में आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 0 + 4, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे इसका +4, या सिर्फ 4 भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद डिग्री। डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। इसके ऊपर आपको लिंक ऊपर वीडियो में मिल जाएगा, उसके अंदर सारी डिटेल में बता रखा है डिग्री का मतलब क्या है, और कुछ एग्जांपल्स देखें। अब भी यहाँ पर एक बार फर्दर रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। पूरी पॉलीनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है वो होती है डिग्री। जो यहाँ पर आपको ये पॉलीनोमियल दे रखा है इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो है 9। ओके, सो इसकी डिग्री क्या हो गई, 9। तो डिग्री इज 9, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज दे रखी है, इसके बारे में आपको वीडियो पे ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे जल्दी से समझाने में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देख लें। यहाँ पर डिग्री जो है वो है 6, सो यहाँ पर आप डिग्री में आप लिख लेंगे 6। यहाँ पर सेकेंड वाले में डिग्री जो है वो 4, तो यहाँ पर आप डिग्री में आंसर 4 आ जाएगा। थर्ड वाले में डिग्री की डेफिनेशन क्या है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, देर इज नो वेरिएबल, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स की पावर या कोई भी वेरिएबल की पावर होगी 0। इसका थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। ये आंसर हो गया यहाँ पर 0, यहाँ पर आंसर आएगा 4, और यहाँ पे आंसर आएगा 6। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जब एक टर्म हो, वन टर्म, तो उसे कहते हैं मोनोमियल, और अगर दो टर्म हो तो उसे कहते हैं बाइनोमियल। कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, उनको आप रिवाइज कर लें। तीन टर्म हो तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। ओके, और डिग्री के बेसिस पे मतलब हाईएस्ट पावर के बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर डिग्री 1 हो तो उसे कहते हैं लीनियर, अगर डिग्री 2 हो तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 हो तो उसे कहते हैं क्यूबिक। तो ये तो हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन।
आइए चलते हैं, ये जो कुछ क्वेश्चन जो दे रखे हैं उसको हम एक, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं। सो वी हैव टू क्लासिफाई दीज एक्सप्रेशंस इन टू वेज अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड डिग्रीज। सो टर्म्स में हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट करते हैं, जैसे कि पहले वाले में यहाँ पे दो टर्म है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाइनोमियल। तो हम यहाँ पे बाइनोमियल लिख देंगे। और डिग्री क्या है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, जो हम पहले भी जान चुके हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूबिक, यहाँ पर आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा 2x² + 3x - 1। तो इसमें क्या है, 3 टर्म है तो यहाँ पे ट्राइनोमियल, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा क्वाड्रेटिक। सिमिलरली यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल टर्म है मोनोमियल, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3, तो यहाँ पर डिग्री आ गया। क्यूबिक अगेन सिंगल टर्म, टर्म हम डिसाइड करते हैं प्लस और माइनस बीच में हो, तो यहाँ पर एक पूरी सिंगल टर्म है तो यहाँ पर मोनोमियल आ गया, यहाँ पर बाइनोमियल। और पावर कितनी है, अगर कुछ नहीं है वेरिएबल में, पावर 1 होती है तो इसका मतलब हो गया लीनियर। यहाँ पे डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो यहाँ पर आ गया बाइनोमियल। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स में क्या आएगा, पॉलिनोमियल। तीन से ज़्यादा टर्म्स के लिए हम पॉलिनोमियल यूज़ करते हैं। यहाँ पे पावर कितनी है, 3 आपका क्यूबिक, यहाँ पे 2 टर्म्स बाइनोमियल, और यहाँ पर आ जाएगा क्वाड्रेटिक। सेम इधर पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा लीनियर, और 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल। सिंगल टर्म मोनोमियल, और पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा लीनियर। सो लास्ट में इन्होंने दे रखा है एक व्हाट वी हैव लर्न, तो आप खुद ट्राई करें मेरे हिसाब से तो, बट तब भी मैं उन बच्चों के लिए आंसर दे देता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आंसर के लिए आए हैं। ओके, कोफिशियंट ऑफ x² इन द पॉलिनोमियल इज 4। सो बेसिकली यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ x², यहाँ पर ये रहा x², x² का जो कोफिशियंट है वो -4 है, तो ये आंसर हो गया रॉन्ग। सेकेंड में आ जाते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। सो यहाँ पर डिग्री जो है वो 2 है, वो आंसर एकदम ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है 2x³ + 1 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, यहाँ पे डिग्री 3 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लर्निंग भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कोफिशियंट ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल, दिस इज √5। सो एक्स का जो कोफिशियंट है वो √5 है, और ये आंसर एकदम ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। वीडियो जरूर देखें, कॉन्सेप्ट जरूर समझें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।